But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, hello my beautiful honeybees, welcome or welcome back to my channel. मैं हूँ आफरीन। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी शादी का मेकअप लुक, मतलब वो फेक वाली शादी नहीं, रियल वाली शादी। और इसके लिए ना मैं बरसों से इंतजार कर रही थी, तो फाइनली गाइज आज मैं जा रही हूँ शादी करने के लिए। अब गाइज ब्राइडल मेकअप शूट तो मैं काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट के साथ करती हूँ, बट जब बात आती है अपनी रियल वाली शादी की, तो जो नाम सबसे पहले दिमाग में आती है ना, वो है मौमिता दी का। तो इसीलिए ना मैंने अपने स्पेशल डे को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए जल्दी जल्दी मौमिता दी को बुला लिया। और पता है गाइस, आज ना दी मुझको एयरब्रश मेकअप लुक क्रिएट करके देगी, जिसके लिए मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मेकअप लुक क्रिएट होने के बाद बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से जज करना तो शुरू कर देंगे, मतलब ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये है, वो है, ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, वगैरह वगैरह। बट गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक लड़की को अपने स्पेशल डे पे अपने हिसाब से मेकअप करवाने का हक तो होता ही है ना। और मैं ना अपनी जिंदगी में वर्स्ट मेकअप, बेस्ट मेकअप, ये मेकअप, वो मेकअप, मतलब इतना हैवी मेकअप कर करके पूरा पक गई हूँ। तो इसीलिए ना अपनी शादी पे मुझे एक रॉयल, सॉफ्ट, ग्लैमरस एंड नेचुरल लुक चाहिए था। अब ये सब तो चलो ठीक है, बट पता नहीं क्यों मेकअप के टाइम पे लोग मुझे इतना क्यों कॉल कर रहे थे, मतलब दुनिया में जितने सारे लोग हैं ना, सबको एक ही दिन मिला कॉल करने के लिए। अब कॉल पे बात करते करते मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कब दुल्हन से टमाटर की टोकरी में तब्दील हो गई। अब मुझे टेंशन में देख के दी ने कहा, रुको जरा, सबर करो, एयर ब्रश पड़ने दो, सब सही हो जाएगा। अब ये सब तो चलो ठीक है, बट अचानक से ना फिर से कॉल आ गया, और इस बार तो खुद दुल्हे ने मुझे कॉल किया था। अब कहा हम लोग कॉल पे प्यार भरी बातें करेंगे, बट नहीं, उल्टा ये तो मुझे दो चार बातें सुना रहा था। कह रहा था कि यहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके हैं, बट अभी तक तुम नहीं आई, तो तुम एक काम करो, मेकअप करके मुंह धो के सो जाना। अब छोड़ो यार, ये सब लड़कों को क्या पता कि हम दुल्हन को तैयार होने में कितना वक्त लगता है। अब मेरी पहली शादी की मेकअप जो है वो मैंने खुद किया था, और वो उतना अच्छा भी नहीं हुआ था, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा था, एंड फैमिली फंक्शन जैसा कुछ था, मतलब ज़्यादा लोग नहीं आए थे, तो मैंने खुद मेकअप कर लिया अपना। वैसे उस टाइम पे मैं उतना यूट्यूब में एक्टिव नहीं रहती थी, तो इसीलिए व्लॉग भी मैंने उस टाइम पे नहीं शूट किया था, तो इसीलिए शादी का कोई भी वीडियोस वगैरह मेरे पास नहीं है। बट हाँ, अगर आप लोगों को मेरा वो वाला लुक देखना है, तो या मैं आपको ना वो वाली जो फोटोज है वो मैं आप लोगों को इंस्टा में शेयर कर दूंगी। तो चलो गाइस, बातों में मेरा आई मेकअप एंड फेस मेकअप तो ऑलमोस्ट हो गया है, एंड सच कहूँ तो अपनी शादी के लिए एग्जैक्टली मुझको ऐसा ही एक लुक चाहिए था। एंड गाइस आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि मेरे होने वाले हस्बैंड को भी मेरा ये वाला ब्राइडल लुक बहुत पसंद आएगा, क्योंकि उसे भी ना मेरी तरह लाइट चीज ज्यादा पसंद है, ज्यादा डार्क कलर हम दोनों में से किसी को भी अच्छा लगता नहीं है। तो जो भी हो गाइस, इसीलिए ना उसने अपना जो शादी का सूट है वो भी लाइट कलर में ही लिया है। सो गाइस, दिस इज द फाइनल लुक, कैसी लग रही हूँ फटाफट कमेंट करके अब भी बता दो मुझको। वैसे उतना बारीकी से दिखाने का टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेकअप के बाद मैं फटाफट वहां से निकल गई थी। फिर घोड़ा गाड़ी की सवारी करते हुए मैं फटाफट पहुंच गई मेरी वेडिंग फंक्शन पे। फिर हुई मेरी रॉयल एंट्री, और उसके बाद मैं अंदर जाके अच्छे से बैठ के सेट हो गई थी। फिर उसके बाद मुझे मिली ढेर सारी गिफ्ट्स। वैसे गाइस, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना। सो गाइस, मैं हो गई हूँ तैयार अपनी रियल शादी के लिए, और अपनी रियल डे को स्पेशल बनाने के लिए मैंने तो मौमिता दी को चूज किया है। मौमिता दी का बहुत सारा मेकअप आप लोगों ने ऑलरेडी देखा ही है। दी बताइए তোমাদের কেমন লাগলো ফুল লুকটা? এর আগে তো অনেক অনেক ভালো বলেছো, তাই ও আবার আমার উপর ভরসা করেছে আজকে স্পেশাল ডের জন্য। তো তোমাদেরও কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, আর তোমাদেরও যদি স্পেশাল ডেতে এরকম সুন্দর লুক পেতে চাও তাহলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করো, মানে স্পেশাল ডের জন্য তোমরা আমাকে বুক করতে পারো। আর তার সাথে সাথে তোমরা যদি এরকম টাইপের মেকআপ শিখতে চাও তাহলেও তোমরা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। আমার নেক্সট
ক্লাস স্টার্ট হচ্ছে এপ্রিল মাস থেকে, যার সিট বুকিং চলছে আর মাত্র 3টে সিটই অ্যাভেলেবল রয়েছে। আমাকে যদি তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে চাও, আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9875585675, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করো, আমি তোমাদের পুরো ডিটেলস বলে দেব। तो गाइस सुन लिया आपने, अपने स्पेशल डे को और भी स्पेशल बनाने के लिए आप लोग मम्मी दादी से कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं अपनी शादी में कैसे लग रही हूँ आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। और ये तो रहा मेकअप का वीडियो, अब आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा मेरा शादी का वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।